अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुमायूं चेत और आप देखें फाइव टेक। एंड फ्रेंड्स, सैमसंग बहुत जल्दी 144 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जो कि अभी तक का एक लेटेस्ट कैमरा सेंसर होने वाला है। अब जैसा कि हम सबको पता है, रिसेंटली सैमसंग की तरफ से ही 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिलता था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम मोबाइल फोन में देखने को मिलता था, जिस तरह सैमसंग S20 अल्ट्रा हो गया या शाओमी की तरफ से मी 10 प्रो वगैरह हो गया। तो इन सारे मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को 108 मेगापिक्सल देखने को मिलता था, और अभी ये मार्केट में इतना नॉर्मल हुआ भी नहीं था कि सैमसंग अब अपना 144 मेगापिक्सल इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। सो इस कैमरा सेंसर के डीप में जाने से पहले मैं आप लोगों को चीजें बता दूं कि कुछ साल पहले तक 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 13 या 16 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर नॉर्मली देखने को मिलते थे। एंड अचानक से सैमसंग ने अपना 44 मेगापिक्सल लॉन्च कर दिया मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी चीज थी। फिर अचानक से 64 मेगापिक्सल आ गया, और फिर अचानक से 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर आ गया, और अब आप लोगों को 144 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूं, वो शायद आप लोगों को शॉक कर देगी कि जो शाओमी कंपनी है, वो एक वाहिद कंपनी है कि जो सैमसंग का जितना भी लेटेस्ट कैमरा सेंसर होता है, वो सबसे पहले आप लोगों को शाओमी के मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। मतलब जिस टाइम 44 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर आया, सबसे पहले शाओमी के मोबाइल फोन में देखने को मिला, फिर 64 मेगापिक्सल सबसे पहले शाओमी के मोबाइल फोन में देखने को मिला, फिर 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर भी आपको शाओमी के मोबाइल फोन में ही सबसे पहले देखने को मिला था। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मी नोट 10 के अंदर आप लोगों को ये 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिला था, जहां पे आपको एक पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलता था और प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल होता था, जिसके अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती थी। तो अब तो 144 मेगापिक्सल सेंसर आने वाला है, तो क्या Xiaomi दोबारा से ये रेस जीतने वाली है? बोला आगे चल के इस चीज को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। वेल, चलें अब चलते हैं इसी 144 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की डिटेल में कि यहां पे आपको कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपको इसी 144 मेगापिक्सल सेंसर के अंदर FinFET टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है Samsung की तरफ से, जो Samsung की तरफ से आप लोगों को एक किस्म का न्यू कांसेप्ट देखने को मिलता है। अब बेसिकली इस कांसेप्ट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि 144 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के अंदर आपको बैटरी कंजप्शन बहुत कम देखने को मिलेगी इसी FinFET टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि अगर रिसेंटली 108 मेगापिक्सल की बात करूं ना, तो वहां पे आप लोगों को बैटरी कंजप्शन ज्यादा देखने को मिलती थी इन कंपैरिजन अगर मैं 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल की बात करूं। एंड ऑफ कोर्स अगर बैटरी कंजप्शन ज्यादा है तो भाई पावर भी ज्यादा लेगा, और अगर बैटरी कंजप्शन कम है तो ऑफ कोर्स आपका बैटरी बैकअप ज्यादा चलेगा। एंड एक और मैं आप लोगों को बात बताता चलूं कि जितना बड़ा कैमरा सेंसर होता है उतनी ज्यादा बैटरी कंजप्शन होती है। मतलब सीधी सी बात है ना कि अगर आप लोग एक बड़े सेंसर से पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, तो वहां पे डिटेल एंड शार्पनेस ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड उस डिटेल एंड शार्पनेस को प्रोसेस करने में मोबाइल फोन ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग करेगा, और ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग के लिए बैटरी कंजप्शन भी ज्यादा ही होगी। एंड ऑब्वियस ही बात है कि इस दौरान प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जाएगा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, और ऊपर से यहां पे जो प्रोसेसर होगा वो बैटरी को भी ज्यादा ही कंज्यूम करेगा। सो इसी वजह से FinFET टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है ताकि बैटरी कंजप्शन कम हो लेकिन आपको परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, तो 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर जो है उससे बड़ा कैमरा सेंसर आप लोगों को 144 मेगापिक्सल का तो देखने को मिलेगा, जहां पे बड़ा सेंसर का मतलब है ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकेगा, जिससे आप लोगों की फोटो के अंदर डिटेल वगैरह थोड़ी ज्यादा अच्छी आ जाएगी, मतलब शार्पनेस आप लोगों की ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वेल, नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या हमें इतनी हाई रेजोल्यूशन कैमरा सेंसर की जरूरत भी है या नहीं है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं तो यार ये सब है गिमिकी है। मतलब अगर मैं यहां पे इसी 144 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की बात करूं, इवन अगर 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की बात करूं, इस सेंसर को अगर रिसेंटली मैं आईफोन या गूगल पिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ कंपेयर करूं, यहां पे अभी तक आप लोगों को प्राइमरी सेंसर के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, तो यार आप लोगों को दोनों सेंसर की पिक्चर क्वालिटी के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। मतलब दोनों की परफॉर्मेंस हाई एंड लेवल की होती है, पिक्चर क्वालिटी हाई एंड लेवल की देखने को मिली होती है। बेशक एक मोबाइल फोन की तरह आप लोगों को 108 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा हो, और एक मोबाइल फोन की तरह आप लोगों को जस्ट 12 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा हो, लेकिन पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगी। 108 मेगापिक्सल में सिर्फ आप लोगों को क्या हो जाता है कि लाइट ज्यादा देर तक कैप्चर कर सकता है, उसके बाद यहां पे आपको शार्पनेस थोड़ी ज्यादा अच्छी मिलती है, मतलब डिटेल वगैरह ज्यादा अच्छी मिलती है इनकेस अगर आप ज्यादा टेलीफोटो लेंस वगैरह यूज करते हैं। बाकी कोई इतना डेली यूजेस की अगर बात करूं, तो वहां पे आपको 108 में कोई फर्क या 12 मेगापिक्सल के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको नंबर्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि भाई कंपनी कर क्यों रहे ऐसा, तो सीधी जर्नल सी बात है कि भाई मार्केटिंग टर्म है ये, जस्ट एक मार्केटिंग टर्म के तौर पर यहाँ पे 108 मेगापिक्सल, 144 मेगापिक्सल, कुछ टाइम बाद आएगा आपको 3-4 महीने बाद या 4-5 महीने बाद 164 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर भी सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाएगा। वेल, सिंपल इज दैट जितने ज्यादा नंबर्स होंगे मोबाइल फोन के अंदर, उतना ज्यादा यूजर को अट्रैक्ट किया जा सकता है एंड सेल में इजाफा किया जा सकता है। एंड दूसरी बात, अगर Xiaomi की दोबारा से बात करें, तो जिस तरह Xiaomi ने अभी तक जितने भी कैमरा सेंसर है सबसे पहले यूज किया है, तो ऑफकोर्स इस दफा भी ये लीक निकल कर आ रही है कि Xiaomi ही सबसे पहले इस 144 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर को अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करने वाला है, एंड
लीक्स ये निकल कर आ रही हैं जो कि रूमर्स है बेसिकली अभी तक कि आप लोगों को Xiaomi CC10 Pro के अंदर ये कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है एंड दूसरी तरफ ये रूमर्स हैं कि शायद आप लोगों को Mi 10S के अंदर भी ये कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। वेल अभी तक रूमर्स है लेकिन अगर Xiaomi को देखा जाए तो भाई लगता है जिस तरह पीछे सूरत हाल चलती आ रही है तो ऐसे ही आगे भी ये सेंसर यूज करने वाला है एंड ये सारी सिचुएशन को देख के यही लगता है कि भाई Xiaomi एंड Samsung का कोई इंटरनल टाइप हुआ है कि जो भी लेटेस्ट कैमरा सेंसर आएगा वो सबसे पहले Xiaomi की तरफ जाएगा। तो वेल अच्छी बात है मार्केटिंग टर्म Xiaomi यहाँ पे यूज करता है। वेल अभी तक ये सारा था 144 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर को लेके एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज वगैरह या अपडेट मिलेगी इस कैमरा सेंसर को लेके मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को और ज्यादा डिटेल चाहिए इस कैमरा सेंसर के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाए और अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सजेशन है नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं। मैं तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।